हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग सब। और ये वीडियो, पिछले वाला वीडियो है ना, उसी का पार्ट है। एक्चुअली जब मैं एडिट कर रही थी ना तो बहुत बड़ा बन गया था, इसलिए फिर मैंने उसको काट के दो वीडियोस बना लिए। और ये बाहर आप देखिए कितना अंधेरा है, टाइम गेस कीजिए कितना होगा। और ये कार्तिक पूर्णिमा वाला व्लॉग है, कीर्तन भी चल रहा है, पीछे आपको आवाज़ आ रही होगी। और अभी टाइम हो रहे हैं 3:15, और इतने ही सुबह सुबह हम जा रहे हैं कार्तिक पूर्णिमा सेलिब्रेट करने के लिए। नदी में चलेंगे बोट छोड़ने के लिए। दरवाज़ा बंद कर लेती हूँ, फिर बात करते हैं। ये देखिए आगे आगे अंश भी जा रहा है, और ये पीछे कीर्तन चल रहा है। अभी वापस आने के बाद वहाँ पर भी जाएंगे। अभी तो खैर बाहर बिल्कुल भी ठंड नहीं है, किसी ने स्वेटर वगैरह भी नहीं पहना है, पर जब नदी में नहा के बाहर निकलेंगे ना, उसके बाद बहुत ठंड लगेगा। नींद खुली लगी, आपका नींद कहाँ गया? अरे टीवी कौन देख रहा है, टीवी कौन देख रहा है? कोई नहीं टीवी देख रहा। कौन देख रहा है टीवी बाबा? अच्छा मम्मी पापा जाओगे? अंश तो कल से ही बहुत ज्यादा एक्साइटेड था। इनफैक्ट जब मम्मा बोट बना रही थी ना, वो तभी से बहुत ज्यादा एक्साइटेड था, और बोलता है कि सुबह सुबह उठेंगे और बोट छोड़ने के लिए जाएंगे नदी में। अभी भी थोड़ी थोड़ी नींद है उसकी आंखों में, लेकिन एक्साइटमेंट भी बहुत है उसको। और ये है जगन्नाथ मंदिर, यहाँ पे थोड़ी देर में अभी आरती होगा, आपको मैं वो भी दिखाऊंगी। इस वक्त बहुत सारी चीज़ें हो रही है, एक तो गांव में कीर्तन चल रहा है, अभी थोड़ी देर में जगन्नाथ मंदिर में आरती भी स्टार्ट हो जाएगा। और यहाँ पर कुछ औरतें हैं जो नदी के पास ही पूजा कर रही हैं, और वो जो कार्तिक महीना होता है ना, लास्ट का एक हफ्ता होता है, उसमें ये पूजा करते हैं, तो सब आपको देखने को मिलेगा। अभी कितने पुदे की बचेगी हमें कौन करी अच्छी जी? बाबांच बोट छड़ी ऐसी निमा बाबांच हमें बोट छड़ी बा की मा छड़ी हो कि तुम्हें कितने बोट छड़ी बा बाबांच कितने बोट छड़ी बे अच्छा खोकमा आप निजर भी छाड़ो तापर और जायर भी बोट छाड़ दो किए इधर भी छाड़ो नदी रो ठंडा पानी रे हाच करिबो कि नदी ठंडा ठंडा पानी रे हाच करिबो मम्मा हमें बोट छाड़ी बसी चलो जिबा मैं बोट छड़ी जिबा। और अभी हम बहुत देर से नदी के पास है, और पूजा भी शुरू कर दिया है। अंश भी बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहा है, उसको पानी तो बहुत पसंद है, तो यहाँ पे तो बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहा है। व्हाट इज दिस बोट? टच कर दियो मैं, टच कर दियो, टच कर दियो, टच कर दियो। नमो करो और ये देखो अंश का बोट जा रहा है वहाँ पे, अंश का बोट जा रहा है, चल गया। और ये मम्मी का बोट, अरे ये मम्मी का बोट जा रहा है। अरे ये बाबांच का बोट वाला है। अच्छा ये बाबांच का बोट है। नमो कर दो बोट पे, नमो कर दे। नहीं,
हमने अपने सारे बोट्स छोड़ दिए और नदी में जो पूजा होना था वो भी ख़त्म हो गया है और मम्मी गई है वहाँ पे कार्तिक पूर्णिमा का जो पूजा कर रही हैं औरतें वहाँ पे मम्मी गई हैं और अंश अभी जिद कर रहा था कि उसको कीर्तन के पास जाना है तो पापा उसको लेके कीर्तन के पास गए हैं और मैं और भाई यहाँ पे खड़े होके बस ये नज़ारा देख रहे हैं। बहुत दूर थी ना और भी बहुत सारी बोट्स थी लेकिन वो कैमरा उसको कैप्चर नहीं कर पा रहा था तो ये पास पास बस ये थोड़ा सा आ गया इसमें। और यहाँ का पूजा ख़त्म हो चुका है तो अब चलते हैं मम्मी के पास जहाँ पे वो लोग सुबह सुबह कार्तिक पूर्णिमा का पूजा कर रहे हैं। हाँ और ये देखिए नदी को थोड़ी दूर से अभी बहुत सारे बोट्स आ गए हैं, ऊपर भी बहुत सारे लोगों ने छोड़ा होगा ना तो वहाँ से बोट्स आ रहे हैं अभी नीचे की तरफ को। और अब चलते हैं जगन्नाथ मंदिर के पास। एक्चुअली हमें लगा आरती शुरू हो गया, हम गए तो वहाँ पे आरती शुरू नहीं हुआ था, थोड़ी देर बाद शुरू होगा। वो लोग भी पहले अभी नदी में जाएंगे, वहाँ पर बोट वगैरह छोड़ के आएंगे, उसके बाद फिर पूजा शुरू होगी यहाँ पे। जब तक कि लोग यहाँ पे अपना पूजा ख़त्म करते हैं तब तक मम्मी और उनका भी पूजा ख़त्म हो जाएगा और उसके बाद फिर चलेंगे जगन्नाथ मंदिर में आरती देखने के लिए। जगन्नाथ मंदिर की भी आरती ख़त्म हो चुकी है, अब ये शिव मंदिर है जस्ट जगन्नाथ मंदिर के साइड में है तो वहाँ पर भी पूजा कर लेते हैं। फिर उसके बाद माता रानी का भी मंदिर है
ये नदी का रास्ता था और ये जगन्नाथ मंदिर, उसके साइड में शिव मंदिर है और जस्ट उसके साइड में माता रानी का मंदिर। इस मंदिर के बारे में भी मैंने वीडियो बना के डाला हुआ है ऑलरेडी, अगर आप चाहें तो देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूँगी। और इस मंदिर में जाके आने के बाद हम चलेंगे अंश को मिलने। और ये है माँ विंध्यवासिनी का मंदिर, और यहाँ पे आने से अंश बहुत ज़्यादा डरता है, पता है क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक ऑटोमेटिक ढोल और मंजीरा रखा हुआ है जो इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्टेड है, स्विच ऑन करते ही बजने लगता है ज़ोर ज़ोर से ये वाला, और जैसे ये बजता है बहुत तेज तेज आवाज़ें आती हैं ना, तो अंश बहुत ज़्यादा डर जाता है, उस चक्कर में वो फिर इस मंदिर के अंदर ही नहीं होता। आई होप आप लोगों में से सब ने अपना कार्तिक पूर्णिमा बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया, और इस व्लॉग के लिए इतना ही। आई होप आप लोगों को ये व्लॉग भी अच्छा लगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।